हेलो फ्रेंड्स, डेली टेक ट्यूटोरियल से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे अपने कंप्यूटर पे जो आप डेटा को डिलीट कर देते हैं उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में वीडियो फाइल को परमानेंटली डिलीट करके रिकवर करके दिखाऊंगा। तो जिस सॉफ्टवेयर का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये भागवत गीता के 3 एपिसोड डाउनलोड करके रखे हुए हैं या 3 वीडियो फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वर्किंग कंडीशन में है। अब फ्रेंड्स, मैं इन तीनों फाइल को अपने कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट करूँगा। ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करके परमानेंटली डिलीट करूँगा इन 3 फाइल्स को। अब फ्रेंड्स, एक बार जब ये डिलीट हो गई है तो फ्रेंड्स, मैं अब एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है डिस्क ड्रिल। एक बार फ्रेंड्स, जब ये डिस्क ड्रिल नाम का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे स्टार्ट होगा तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। इसमें फ्रेंड्स, आपको जो भी आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पर मैंने जो अभी ये 3 वीडियो फाइल्स डिलीट की थी वो मैंने ई ड्राइव पे की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आके क्विक स्कैन करूँगा। तो फ्रेंड्स, क्विक स्कैन करने का फ़ायदा ये रहता है कि जो आपने रिसेंटली डिलीट की है फाइल्स एक दो दिन के अंदर, तो उसको वो स्कैन करके दिखा देता है। और अगर आप डीप स्कैन करते हैं तो डीप स्कैन करने से बहुत पुरानी जो फाइल्स हैं, डिलीटेड फाइल्स, वो भी ये सॉफ्टवेयर रिकवर करने की कोशिश करता है और करप्टेड फाइल्स को भी रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये जो 3 वीडियो फाइल अपन ने डिलीट की थी इसको इस सॉफ्टवेयर ने ढूंढ लिया है क्विक स्कैन में। अब फ्रेंड्स, मैं इन तीनों वीडियो फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रिकवर बटन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जिस ड्राइव से आप रिकवर कर रहे हैं उसी ड्राइव में आप सेव मत कीजिए रिकवर्ड फाइल्स को, आप किसी और ड्राइव में सेव कीजिए रिकवर्ड फाइल को। जैसे फ्रेंड्स, अभी मैं ई ड्राइव से रिकवर कर रहा था तो फ्रेंड्स, मैं ई ड्राइव में ना सेव करके डी ड्राइव में रिकवर्ड फाइल्स को सेव करूँगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो डेटा लॉस के चांसेस कम रहेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि पुराने डेटा के ऊपर अगर नया डेटा रीराइट हो जाता है तो उस केस में फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर हो सकता है उन फाइल्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर दे या फिर रिकवर कर ले, पर चांसेस कम रहेंगे उनके प्ले होने के, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट हो ही गई है लगभग। चलिए वेट कर लेते हैं। ये देखिए, रिकवरी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको ओके करता हूँ और डी ड्राइव में जो टेस्ट फोल्डर है जहाँ पर मैंने इसको रिकवर किया अपने कंप्यूटर पर, उस पर जाता हूँ। तो देखिए, ये टेस्ट फोल्डर के अंदर गया मैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों वीडियो फाइल रिकवर हो चुकी है। ये परमानेंटली डिलीटेड थी, ये रिसाइकल बिन में नहीं गई थी मेरे कंप्यूटर के। तो चलिए मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। देखिए, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, दूसरी फाइल भी बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप डिलीटेड डेटा को, भले वो किसी भी प्रकार का डेटा, उसको आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।